नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया। बात करेंगे हम लोग सिवान की पहचान में। हम लोग जो कार्यक्रम चला रहे हैं सिवान की पहचान में आए दिन हम लोग हर एक डॉक्टर लोग से मिल रहे हैं और उनसे कोशिश कर रहे हैं कि वो समाज के लिए किस तरह से काम कर रहे हैं, समाज के लिए, हमारे युवाओं के लिए और हमारे सिवान जिला के वासियों के लिए कितना बेहतर दिशा में काम कर रहे हैं। इसी क्रम में हम लोग पहुँचे हुए हैं मसीहा मेमोरियल हॉस्पिटल सिवान बिहार। डॉक्टर विजय कुमार जी हैं जो कि MBBS है और समाज सेवा में लगातार कई वर्षों से सेवा धर्म कर रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि सबसे पहले इनका सर का इनके जुबानी नाम जानते हैं और ये किस तरह से काम कर रहे हैं समाज के लिए जानते हैं। सबसे पहले स्वागत है सर हमारे चैनल पे। बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिए सर। और हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम डॉक्टर विजय कुमार है जी। मैं MBBS और PG DTMH ट्रॉपिकल मेडिसिन में मैंने दरभंगा मेडिकल कॉलेज से किया है जी। और सर हम सुने हुए कि जैसे आप एक फिजिशियन है, जनरल फिजिशियन में देखा जाता है कि आमतौर से हर एक बीमारी का इलाज किया जाता है और आजकल जो गर्मी का मौसम चल रहा है इसमें लू लग जा रहा है, किसी को सर्दी खांसी बुखार आम चीज़ हो गया है। अभी बीते कुछ महीनों के बाद मतलब ये हमारा मूवमेंट अच्छा आया हुआ है। कोरोना काल का दौर चल रहा था उसमें आमतौर से देखा जा रहा था कि ये सर्दी बुखार इस तरह से इसको लक्षण माना जा रहा था, लेकिन आप एक जनरल फिजिशियन होने के नाते हमारे समाज को, हमारे सिवान जिला के जो पेशेंट हैं या दर्शक हैं उन्हें किस तरह का मैसेज देना चाहिएगा कि वो इस गर्मी के धूप में, गर्मी में अपने आप को कैसे कंट्रोल करें, कैसे स्वच्छ रखें और सुरक्षित रखें। सबसे पहले तो यही कहूँगा कि धूप से बचें, क्योंकि अभी के टाइम में धूप बहुत कड़ा है और धूप के चलते डिहाइड्रेशन होने का संभावना बहुत ज़्यादा रहता है, तो धूप से बचें। और उसके बाद है खान पान पे संयम रखें, मसाला तेल मसाला वगैरह कम से कम खाएं और बाहर से आए गर्मी में और फ्रिज से ठंडा पानी तुरंत पी लिए वो काम नहीं करें, है ना। आए कुछ देर बैठे, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन हो जाए उसके बाद आप फ्रिज का पानी पी सकते हैं, है ना। तो थोड़ा खाने पीने का भी बचाव के साथ धूप से भी बचें। सर एक हम बात जानना चाहेंगे कि आजकल सिवान में बहुत सारे डॉक्टर आ रहे हैं, नए नए डॉक्टर बैठ रहे हैं, आपका तो कई सालों से आप बैठे हैं, तो एक चीज़ देखने को मिलता है कि आप MBBS डॉक्टर हैं, कई एक BBBS डॉक्टर आ रहे हैं, एलोटो होम्योपैथी डॉक्टर आ रहे हैं, यहाँ तक कि हर तरह का डॉक्टर यहाँ सिवान में बैठ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक चीज़ इतना डॉक्टर बैठते हुए भी बीमारियों का जो मतलब लक्षण है वो ख़त्म नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ के मरीज दूर दराज जा रहे हैं आज भी, इसका कारण क्या रहा? इतने बड़े बड़े डॉक्टर, इतने एस्टेब्लिश डॉक्टर सिवान में बैठ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चीज़ों को ये देखना होगा। हाँ, ये कारण तो है, इसका कारण मूलभूत कारण ये है कि अच्छे डॉक्टर हैं लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं, बिलीविंग सिस्टम नहीं है। हाँ, बिलीविंग सिस्टम नहीं है और थोड़ा सा ये गवर्नमेंट के तरफ से कुछ सपोर्ट भी एवं, हाँ वो सब नहीं हो पा रहा है जिसके कारण लोग यही सोचते हैं कि अच्छा ट्रीटमेंट जो है पटना में होगा, गोरखपुर में होगा और इस तरह लोग वहाँ पलायन कर जाते हैं, जबकि पटना और गोरखपुर उससे बेटर डॉक्टर यहाँ अवेलेबल हैं आपके सिवान में और उससे अच्छा ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सर हम थोड़ा जानना चाहेंगे आपके मसीहा मेमोरियल हॉस्पिटल के बारे में, आप में बैठते हैं कंसल्टेंसी फिजिशियन के तौर पे देखते हैं, तो और क्या व्यवस्था यहाँ पे है सर? यहाँ पे मरीज 24 घंटा मरीज भर्ती किया जाता है अगर उस तरह का है तो, अदरवाइज OPD भी चलता ही है और यहाँ ECG ऑक्सीजन सब व्यवस्था ऑलमोस्ट लगभग सब व्यवस्था यहाँ अवेलेबल है। सर आप एक MBBS तौर पे हैं और MBBS जो करते हैं काफ़ी अच्छे लेवल पे अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं हर जगह पे, तो हम ये जानना चाहेंगे जो हमारे आजकल के जो युवा हैं आजकल एक डॉक्टर के उपाधि लेना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, तो उनको क्या एक मैसेज देना चाहिए कि डॉक्टर बनने के लिए किस तरह से अपने आप को एक प्रिपेयर करें, कितना स्ट्रगल करें, मेहनत करें, इस तरीके से मैसेज क्या देना चाहिए? हाँ, डॉक्टर बनना थोड़ा सा टफ तो है ही लेकिन इतना टफ नहीं है, जो भी अगर लगे पड़े लग के मतलब
दिल से लगे, लगे मतलब दिल से लगे, तैयारी करें, उनका तो हो ही जाना है, हो ही जाता है ना। हाँ ये ज़रूर है कि लाखों बच्चे बैठते हैं उसमें आपको 20,000-30,000 सिलेक्शन होता है, तो वो अलग बात है, लेकिन जो अच्छे से पढ़ेंगे, दिल से पढ़ेंगे, उनका सिलेक्शन होना तय। तो सर एक और चीज़ हम जानना चाहेंगे कि आप जिस लेवल पे हैं सर, तो जनरल फिजिशियन में तो हर चीज़ का आप देखते हैं, तो मतलब बॉडी के कितना भाग तक, मतलब सर के ऊपर से सर के नीचे से, या एक एक चीज़ कहा जाए कि मतलब आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है जनरल फिजिशियन में, स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है उसमें। जनरल फिजिशियन में मैं कार्डियोलॉजिस्ट और डायबिटोलॉजिस्ट हूँ, और मैं इसमें हाँ स्पेशलाइजेशन मैंने भी किया है, और बाकी मैं जनरल फिजिशियन भी हूँ, लेकिन हार्ट और डायबिटिक्स ये मेरा ये मेन है। तो कोई भी अगर एक चीज़ कहा जा रहा है कि सर आजकल युवाओं में खासतौर से हार्ट अटैक का एक प्रॉब्लम, डायबिटीज आ रहा है और शुगर का ज़्यादा लोग दिखा मतलब आ रहा है, तो इसका रेयर केस में किस तरह से बचाव करें, वो तो हर इंसान में रहता है डायबिटीज, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा हो जा रहा है, इसमें क्या कारण है? देखिए डायबिटीज़ का मेन मूलभूत कारण यही है कि अवेयरनेस है, और खान पान का जो ये है संयम नहीं बरत रहे हैं, वो मूल मेन कारण है। और कारण और भी है, जैसे इंसुलिन एक हार्मोन है जो हमारे शरीर में आता है जी, उसका सिक्रेशन कम हो जाए किसी वजह से जी, तो डायबिटिक का वो भी कारण है जी। तो ये सब कारण है डायबिटिक होने का, एक खान पान में संयम नहीं बरतें, लाइफ स्टाइल नहीं चेंज किए, मतलब थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह, और ये आपका इंसुलिन हाँ इसके कारण। तो बेसिकली सर आप मतलब हार्ट और डायबिटीज़ में स्पेशलिस्ट मतलब तौर देखते हैं, तो एक चीज़ हम लोग रिकमेंड कर सकते हैं कि जो भी पेशेंट है मतलब हार्ट के रिलेटेड कोई अगर पेशेंट अगर आना चाहता है तो आपके पास आ सकता है, और मेनली चीज़ है कि डायबिटीज़ शुगर के जो पेशेंट है आजकल वो ज़्यादा देखा जा रहा है, तो आपके पास आ सकते हैं। चलिए तो लास्टली संदेश क्या देना चाहेंगे हमारे सिवान जिला वासियों को? सिवान जिला वासियों को यही कहेंगे कि आप अपना ख्याल रखें, और रेगुलर नहीं तो कभी 2-3 महीना में एक बार चेकअप जरूर करवा लें, खान पान पे संयम बरते और स्वस्थ रहें। तो साथियों देखा के बात की हम पहुंचे हुए सिवान जिला सिवान सिटी में मसीहा मेमोरियल हॉस्पिटल सिवान बिहार। हमारे से जुड़े हुए थे डॉक्टर विजय कुमार जी, जो कि MBBS DTM एंड H मेडिसिन के तहत सर बैठते हैं, और DMCH दरभंगा से कंसल्टेंसी फिजिशियन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल बेतिया के भी इन्होंने अपना किया है, और एक्स रेजिडेंट SKMCH मुजफ्फरपुर विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी फिजिशियन बिहार सरकार में भी पदाभिष्ट हैं, और कंसल्टेंट फिजिशियन के तौर पे सम्मिलित हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप लोग में से कोई आसपास के हार्ट और डायबिटीज से कोई रोग से परेशानी में है, तो प्लीज़ एक बार आप यहाँ पे संपर्क करें, और बेसिकली मैं चाहूँगा कि सर के पास आएँ और अपना जो भी प्रॉब्लम है एक बार आप यहाँ से मिल सकते हैं। सर ने जैसे कहा कि आप 2-3 महीने में अपना बॉडी का जांच कराना चाहिए, तो बेसिकली कराना चाहिए। सो फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ मंजीत कुमार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया, और शिवान की पहचान में हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। तो हमारे साथ जुड़े हुए थे डॉक्टर विजय कुमार जी, जो बहुत समाज के लिए बेहतर काम कर रहे हैं। थैंक यू सर, धन्यवाद।